हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पेट की सूजन को दूर करने के कुछ आयुर्वेदिक और कुछ घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, पेट के अंदर सूजन होना बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे कि खराब खान पान और खराब लाइफ स्टाइल का होना। इसके अलावा अगर आप अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं या किसी प्रकार का धूम्रपान करते हैं या बुरी आदतें हैं तो आपका पेट पूरी तरह से खराब हो सकता है, पेट के अंदर सूजन हो सकती है। ऐसे में आपको इसके उपचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आज मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय और कुछ घरेलू उपाय बताऊँगा जो आपके पेट की सूजन को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले है जीरा पानी का इस्तेमाल। दोस्तों, जीरा पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यह एक आयुर्वेदिक मसाला होता है जो बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देता है। जीरा पानी को जड़ी बूटी भी कहा जाता है क्योंकि यह बैक्टीरिया को बचाता है, बैक्टीरिया से हमें बचाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जो कि पेट की सूजन को दूर करने में मदद करता है। आपको एक बड़ा चम्मच जीरा, एक गिलास पानी दोनों को मिक्स करना है, या फिर दोस्तों आप चाहें तो एक चम्मच जीरा को अच्छी प्रकार से भूनकर इसका पाउडर तैयार करके पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन के बाद या भोजन से पहले 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल अपने तरीके से करें, यह आपके पेट की सूजन को पूरी तरह से दूर करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आप मुलैठी का इस्तेमाल करके पेट की सूजन को दूर कर सकते हैं। हाथों में सूजन अगर आपको हो जाती है तो आप मुलैठी का इस्तेमाल करें। मुलैठी एक जड़ी बूटी होती है जो कि पाचन तंत्र के लिए सबसे बेहतर रहती है। आपको एक चम्मच मुलैठी पाउडर, एक गिलास गर्म पानी दोनों को मिक्स करना है, इस्तेमाल करना है 10 से 15 मिनट तक के बाद आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आपको इसका सेवन करना है। यह पेट के आंतरिक सूजन को दूर करने में आपकी मदद करता है। आप चाहें तो दोस्तों अनानास का इस्तेमाल करके भी पेट की सूजन को दूर कर सकते हैं। अनानास एक प्राकृतिक फल होता है जिसके अंदर पेट की सूजन को दूर करने वाले सभी गुण होते हैं। नियमित रूप से 1 कप पके हुए अनानास का सेवन करके आप पेट की सूजन को दूर करने में अपने बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ होती है दोस्तों, इसे ऑटमील कहा जाता है, आमतौर पर इसे दलिया बोला जाता है। दलिया के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जो कि आपके पेट की सूजन को दूर करते हैं, साथ ही साथ पाचन सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। पेट की सूजन को प्राकृतिक रूप से ठीक रखने के लिए आपको 1/2 कप दलिया, 1 कप दूध या पानी की ज़रूरत होगी। दोनों को मिक्स करें, जैसे दलिया बनाते हैं ऐसा बनाएं, इसका नॉर्मल रूप से सेवन करें। आप चाहें तो अपने आहार के अंदर केला, नाशपाती, सेब जैसे कुछ फलों का इस्तेमाल करके भी पेट की सूजन को दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक घरेलू उपाय जिसे हम बोलते हैं हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल पेट की सूजन को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यह पेट के इन्फेक्शन को दूर करता है, सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट इसे माना जाता है। इसके लिए आपको एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक गिलास पानी, थोड़ा सा दही या केला, इन चीज़ों को आप अपने आप मिला लें, मिलाकर एक पेस्ट सा तैयार करें। यह पेट की सूजन को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको इसका इस्तेमाल दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी चीज़ होती हैं जैसे कि शहद का इस्तेमाल करके भी आप पेट की सूजन को दूर कर सकते हैं। अगर आपको पेट की सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप 2 चम्मच शहद, 1 गिलास पानी दोनों को अच्छी प्रकार से, आपको 1 गिलास जो गर्म पानी लेना है उसके अंदर 2 चम्मच शहद मिलाना है और इस्तेमाल करना है। आप प्रतिदिन खाली पेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पेट की सूजन पूरी तरह से दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।